सभी सुने ध्यान से भारती मैम को। मेरी दीदी है जो वो बॉम्बे में रहती है, तो उनके हस्बैंड को थाइमोमा कैंसर हो गया था, तो उनकी ओके, बहुत बड़ी कैंसर। सर्जरी हुई। तो उसके बाद डॉक्टर ने तुरंत ही सर्जरी के बाद ही उनको रेडिएशन 25 रेडिएशन बोला, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। और फिर यहाँ मैं चेन्नई में रहती हूँ, तो मेरी दीदी यहाँ लेके आई उनको चेन्नई में। अभी भी इधर ही है, यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट सब चल रहा है, लेकिन थोड़ा ही रेडिएशन उनको दे रहे, लेकिन 10 ही हो गया। सिर्फ रेडिएशन 10 ही दिया उनको, 25 था तो वो नहीं दिया उनको, कम दे दिया। और वो इतने हेल्दी है ना, अभी उनका वेट भी बढ़ रहा है और अच्छे बहुत ही बेहतर हो गए। और मेरी दीदी है ना, वो पूरा दिन होपोनो कर रही है, वो बस उनको ये फॉरगिवनेस कर रही है, पूरा पूरा दिन कर रही है। उससे वो सब चला गया, उनका कैंसर सब एकदम नॉर्मल हो गए, वो एकदम हेल्दी है। कंग्रेचुलेशन एवरी वन, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव योर हाई फाइव एंड से शुक्रिया, डिवाइन कंग्रेचुलेशन टू यू एंड योर दीदी। यस, सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कहिए, सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कांग्रेचुलेशन दीदी बहुत 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 कंग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपकी दीदी को, और आपकी वजह से वो ठीक ये घर से ही बहुत मैंने बहुत देखा, बधाई आपकी। मैंने अप्रैल में सर से ज्वाइन किया ओपन अप्रैल में, और अप्रैल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया ये चलो रेडिएशन, फोन, तो हो गया। कांग्रेचुलेशन। और सर ने ही सिखाया मुझे कैसे करना। ग्रेट। सो मैम प्लीज एक बार अनम्यूट कर लें खुद को। तो हाँ, सर दोस्तों, ने ही मुझे पूरा सिखाया, और मैंने खुद ने किया, और मेरी दीदी को मैंने सिखाया, तो वो सब अच्छे से सब हो गया, उनका कैंसर सब सब नॉर्मल हो गया सिर्फ ग्रेट होपोनो से। ग्रेट। सो दोस्तों, सोच के देखें, अगर आप होपोनोपोनो हीलर बन जाते हैं या बन रहे हैं, बन जाते हैं इज इट रॉन्ग वर्ड, बन रहे हैं, सोच के देखें कि आपके अंदर कौन सा कैपेबिलिटी आने वाला है, कौन सा शक्ति आने वाला है, ये आने वाला है या ऑलरेडी आपके अंदर है। श्वेता मैम, लक्ष्मी मैम, जस्मीन, ऑलरेडी है आपको? क्या लगता है, मैं मेरे पास कोई ऐसा शक्ति था जो मैंने भारती मैम को ट्रांसफर कर दिया? नो, मैंने सिर्फ उनकी ट्यूनिंग की। वो भी सबसे बड़ी बात आप लोग को ये बताएं, एक इम्पोर्टेंट बात, मैम ने जो होपोनोपोनो का कोर्स कंप्लीट किया है वो रिकॉर्डेड सेशन से किया, नॉट लाइव। यस मैम, सारे रिकॉर्डेड सेशन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सारे रिकॉर्डेड सेशन। एंड आई रियली अप्रिशिएट टू भारती मैम, बिकॉज वो इस डेडिकेशन के साथ, इतने बड़े बड़े कोर्सेज हैं, इतने बड़े क्लासेस हैं, जैसे एक एक घंटे के ये क्लासेस आप देख रहे हो, वो भी सारे एक एक घंटे, 1.5 घंटे, जो रिकॉर्डेड अभी आप लोग को दिया जाएगा, राइट? वही से उन्होंने सिर्फ उससे किया। और मैम ने शायद अप्रैल में, शायद मैम बुक किए थे मैम अपने, राइट, ये प्रोग्राम। ग्रेट। मैंने हाँ 1 मंथ में कर लिया था पूरा। एंड देखिए, वो 1 मंथ में, आप सोच के देखिए, 1 मंथ में तो एक इंसान नर्स भी नहीं बन सकता, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। ये सर, नो, डॉक्टर बहुत दूर की बात है, नर्स भी नहीं बन सकते आप। नर्स के साथ जो ट्रे बॉय होते हैं ना, जिन लोग ट्रे वो लेके इधर उधर करते हैं, वो भी नहीं आपको मिलेगा क्वालिफिकेशन 1 महीने के ट्रेनिंग से। मगर हो अपन अपन, वो मैजिक है कि आप इसे सीखते सीखते ही लोगों को हील कर सकते हैं, एंड दैट इज अ लाइव प्रूफ, राइट? दैट इज अ लाइव प्रूफ। आपका, आप लोगों का 1 मंथ के बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, पूरे आप खाली हो जाओगे, कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बिकॉज इट इज अ क्लीनिंग प्रोसेस। ओके, सो खाली हो जाने का मतलब ऐसा नहीं समझे सब कुछ खाली होगा, ये समझें कि खाली हो जाने के बाद आप एकदम क्लीन हो जाओगे अपनी नेगेटिविटी से, और आप इतना अच्छा हीलर बन जाएंगे, सच बता रहे दोस्तों। अभी आपने भारती मैम का ऐसा सुना है ना, भारती मैम और भी ऑलरेडी शी इज अ डॉक्टर एक्चुअली। मैम आप किस लेवल से, आप वो बताइए थोड़ा अपने बारे में। हाँ, मैं नेचुरोथेरेपिस्ट हूँ और डाइटिशियन हूँ, तो वो मैं पेशेंट लेती हूँ खुद, यस और यस काउंसलिंग भी करती हूँ मैं। तो यस मैं मेरे आंटी का सबका की हूँ, मैं मेरे बेटे का सबका करती हूँ हीलिंग। बहुत जो अच्छा एक लेडी का भी सक्सेस स्टोरी था, जो उसको नहीं हो जी, रहा था, कंसीव नहीं कंसीव हो नहीं हो रहा रहा था, था। वो यस बेबी भी हो गया उनको, वो 1 मंथ में ही हो गया।
ग्रेट, 5 6 साल से उनको नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं हो वाह, रहा था, तो 1 महीने में ही हो गया, अमेजिंग 1 month। अमेजिंग, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छे दोस्तों। तो दोस्तों